जब वीर सेनानी चले थे, डंडे खाई गोलियां खाई, मगर तूफानी कदम ना रुके थे। हमें आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली, हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। उस लड़ाई में हमारे कई बहादुर स्वतंत्रता सेनानी वीरगति को प्राप्त हुए थे। आज मैं प्रेमलता कुमारी, कक्षा छठी की छात्रा, वीर गाथा प्रोजेक्ट के अंतर्गत महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, रानी लक्ष्मीबाई एवं शहीद ए आजम भगत सिंह के ऊपर एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है कैसे उन्हें भूल जाए। दो वर्षों की गुलामी पर जिसने आजादी का दिया जलाया था अंग्रेजों के विरुद्ध, जिसने भारत का नमक बनाया था हिंसा को हराने के लिए अहिंसा का मार्ग अपनाया था। चरखे पर सूत काटते आत्मनिर्भरता का ज्ञान बतलाए थे। ना जाने कितने आंदोलन करके सदैव आजादी की ओर कदम बढ़ाए थे। खुद लाठी की सहारा लेते पूरे देश की आजादी दिलाए थे। ऐसे ही नहीं वे महात्मा गांधी कहलाए थे। लाला लाजपत राय देशभक्त महान थे। आजादी के लिए दिए हर बलिदान थे। 1928 में साइमन कमीशन का किया बहिष्कार था। भारत के लिए हुए बाजी प्राणों के देने के लिए भी तैनात थे। मर्दों में भी जान डाल दे ऐसी उनकी कहानी है। वह और कोई नहीं झांसी की रानी है। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं एक अवतार थी। अंग्रेजों पर अकेली पड़ी वह भारी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब जब स्वतंत्रता दिवस आता है कुर्बानी अपने साथ लाता है। आंखें भर आती है तब भारत माता इनकी जयकार करने से ना थकती है। मोमबत्तियां बुझ गई दिया तले अंधेरा था। फांसी के फंदे पर जब तीनों वीरों को झुलाया गया था। हंसते हंसते देश के खातिर जिसने फांसी को गले लगाया था। मौत का ना उनको डर था। सुखदेव और भगत सिंह राजगुरु के मन में कुछ और न था। छोड़ छाड़ मोह इस जग की अपने को भी भुलाया था। देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी को गले लगाया था। कैसे भुला जाए उन्हें जिसने आजादी का कदम बढ़ाया था। कैसे भुला जाए उन्हें जिसने बाजी जान की लगाई थी। जो महिला रूप में मर्द की परिभाषा बतलाई थी। कैसे भुला जाए उन्हें जिसने हंसते हंसते फांसी गले लगाई थी। जय हिंद। धन्यवाद।